हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभम लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट हमारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, और जो इसमें टॉपिक है वो है हमारा मिलिंग कटर्स एंड टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स। और अगर आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी या फिर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नोट चाहिए तो आपको वो मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मिलिंग कटर्स, मिलिंग कटर्स क्या होते हैं? अ हार्डन स्टील डिस्क और सिलेंडर ऑन विच द कटिंग टीथ आर अरेंज आइदर ऑन इट्स पेरीफेरी और ऑन इट्स एंड और ऑन बोथ इज कॉल्ड मिलिंग कटर। जो हमारा मिलिंग कटर होता है उसमें क्या, ये एक हार्डन स्टील डिस्क होती है या फिर सिलेंडर बोल सकते हैं, ठीक है, सिलेंडर होता है, ऑन विच, जिस पे हमारा कटिंग टीथ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और उसकी पेरीफेरी या फिर उसके एंड पे या फिर उसकी दोनों साइड में, वो होता है हमारा मिलिंग कटर। यूजुअली द कटर इज हेल्ड इन फिक्स्ड बट रोटेटिंग पोजिशन एंड द वर्क पीस पासिस द कटर ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन। जो हमारा कटर होता है वो क्या हमारा होता है, फिक्स होता है लेकिन रोटेटरी पोजिशन में घूमता वो, ठीक है, और जो वर्क पीस है हमारा वो क्या होता है, पास होता है कटर के पास, पास करते हैं जब हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मिलिंग कटर्स आर जनरली मेड अप ऑफ हाई स्पीड स्टील एंड सेंटर्ड कार्बाइड्स। जो हमारा मिलिंग कटर होता है वो हमारा इन दो चीज़ों से बना होता है, हाई स्पीड स्टील और इससे, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स अकॉर्डिंग टू पर्पज और यूज, दीज कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोज। प्लेन मिलिंग कटर, साइड मिलिंग कटर, मेटल स्लाइटिंग सॉ कटर, एंगल मिलिंग कटर, फॉर्म मिलिंग कटर, एंड मिलिंग कटर, टी स्लॉट कटर और वुडरफ की सीट कटर एंड फ्लाई कटर। अब हम इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे, प्लेन मिलिंग कटर क्या होता है, इन सबको ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेन मिलिंग कटर, दी इट इज आल्सो कॉल्ड स्लैब मिलिंग कटर्स एंड इज बेसिकली सिलेंड्रिकल विद द कटिंग टीथ ऑन इट्स पेरीफेरी। जैसे कि आप फिगर में दिख रहा है, इस वाली फिगर में, ठीक है। इट इज जनरली यूज फॉर मशीनिंग फ्लैट सर्फेसिस, और ये कहाँ पे यूज होता है, फ्लैट मशीनिंग फ्लैट सर्फेसिस में यूज होता है। इसके जो कटिंग टीथ होते हैं वो हमारे पेरीफेरी के, ये होती है हमारी पेरीफेरी परिधि पे, ठीक है, हमारे ये टीथ लगे हुए हैं, ये हमारा प्लेन मिलिंग कटर, ठीक है। इसका डायग्राम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इन दोनों का डायग्राम, ये हमारा हेलिकल टीथ का है, ठीक है, इसमें हमारी। और अब लाइट ड्यूटी स्लैब मिलिंग कटर्स आर जनरली हैव फेस विड्थ अप टू 25 mm। जो हमारे लाइट ड्यूटी स्लैब मिलिंग कटर्स होते हैं उनके फेस की मोटाई कितनी होती है, 25 mm तक होती है। दे जनरली हैव स्ट्रेट एंड लार्ज नंबर ऑफ टीथ। ये क्या होते हैं, इनमें स्ट्रेट या फिर लार्ज बड़े टीथ होते हैं नंबर ऑफ टीथ में। और हैवी ड्यूटी स्लैब मिलिंग कटर्स में हैव स्मॉलर नंबर ऑफ टीथ टू अलाउ मोर चिप्स स्पेस। इनमें क्या होते हैं, छोटे नंबर टीथ होते हैं, और ये चिप्स को ज़्यादा काटने में हेल्प करते हैं। दिस अलाउ मेकिंग डीपर कट्स, और ये क्या है, डीपर कट लगाते हैं कॉन्स्टुएंटली। हाई मेटल मटेरियल रिमूव रेट ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन, और इनका क्या जो कटिंग ऑपरेशन है वो ज़्यादा है, मेटल को रिमूव करने का रेट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन। हेलिकल मिलिंग कटर्स हैव अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ टीथ। इसमें क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ टीथ होते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बट अ लार्ज हेलिक्स एंगल, लेकिन इनमें जो हेलिक्स एंगल हो क्या होता है, वो बड़ा होता है। दीज टाइप्स ऑफ कटर्स कट विद अ शियरिंग एक्शन विच कैन प्रोवाइड फाइन फिनिश। ये कि जो कटर होते हैं वो शियर एक्शन लगाते हैं कटिंग के टाइम पे, जो कि फाइन फिनिश, अच्छी फिनिश देता है। द लार्ज हेलिक्स एंगल अलाउज द कटर टू एब्जॉर्ब मोस्ट एंड ऑफ द लोड। जो हमारे ये एंगल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं एब्जॉर्ब द मोस्ट लोड, ज़्यादा लोड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एंड दीज द कटर एंटर्स एंड लीव्स द वर्क पीस वेरी स्मूथली, और ये वेरी स्मूथ वर्क करते हैं वर्क पीस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा
नेक्स्ट हमारा साइड मिलिंग कटर, दिस कटर शोन, ये आपको मतलब फिगर में दिखा रहा है, इज सिमिलर टू द प्लेन मिलिंग कटर्स, ये हमारे सिमिलर होते हैं प्लेन मिलिंग कटर की तरह, एक्सेप्ट दैट इट हैज़ टीथ ऑन इट साइड आल्सो, और लेकिन इसके दांत होते हैं वो ना साइड में भी होते हैं, ठीक है। आप मतलब स्क्रीन पे डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें ना समझ आए तो स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे स्लाइड मिलिंग कटर्स। जो हमारे हाफ साइड मिलिंग कटर होते हैं उनमें क्या होता है, हमारा वन साइड टीथ होते हैं खाली, इन एडिशन टू सर्कमफेरेंशियल टीथ, ठीक। दीज कट, और ये यूज कहाँ होते हैं, मिलिंग, यूज फॉर मिलिंग बोथ एंड्स ऑफ वर्क्स टू गिव गिवन डायमेंशंस, जहाँ पे काम यूज दोनों तरफ, बोथ एंड वर्क, दोनों तरफ वर्क को और जहाँ हमें डायमेंशन देनी हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा मेटल स्लाइटिंग सॉ कटर, इट इज़ वेरी थिन कटर वेयरिंग इन थिकनेस फॉर्म 0.5 to 5 mm, ये बहुत ही पतले होते हैं और इनकी जो दे रखे आपको डायमेंशन वो इतने में ही होते हैं, ठीक है। जस्ट आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये और स्क्रीन पे भी आप डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा मेटल स्लाइटिंग सॉ कटर का डायग्राम है। और ये यूज कहाँ होते हैं, इट इज यूज फॉर कटिंग डीप स्लॉट्स, जहाँ डीप स्लॉट काटने एंड पार्टिंग ऑफ मटीरियल टू पीसीस, ठीक है। इट इज थिनर एट द सेंटर, और ये सेंटर से बहुत पतले होते हैं, देन एट एज टू प्रोवाइड क्लियरेंस एंड रिड्यूस फ्रिक्शंस। अब आता हमारा फोर्थ एंगल मिलिंग कटर, एनी मिलिंग कटर विच हैज कटिंग टीथ एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें क्या हमारा जो टीथ है वो हमारे किसी एंगल पे हैं, ठीक है, वो होता है हमारा एंगल मिलिंग कटर, ठीक। जैसे कि देख रहे हो ये आप एंगल पे हैं, ठीक, और इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। इट मे बी सिंगल और डबल एंगल कटर एंड इज यूज टू मशीन एंगल अदर 90 degree, ठीक है, और इनका 90 degree एंगल होता है, ये सिंगल भी हो सकते हैं या फिर डबल कटर भी हो सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन कटर्स आर 45 के भी होते हैं, 60 के भी होते हैं, सिंगल एंगल कटर 45 और 60 के सिंगल एंगल कटर होते हैं, एंड 45, 60, 90 डबल एंगल कटर्स भी होते हैं, ठीक है। दीज कटर्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन टूल प्रोडक्शन में, टूल प्रोडक्शन फॉर मिलिंग चिप्स फ्लूट्स ऑन वेरियस कटिंग टूल्स, इनका जो यूज होता है वो टूल प्रोडक्शन में होता है, मिलिंग चिप्स फ्लूट्स ऑन वेरियस कटिंग टूल्स में, ठीक है। ये आप देख रहे हो ये एंगल पे है, ठीक, ये जो ये एंगल पे है ये। नेक्स्ट हमारा फॉर्म मिलिंग कटर, एनी मिलिंग कटर हूज टीथ वीन गिवन अ स्पेरिकल शेप इज नोन एज फॉर्म मिलिंग कटर, जो हमारा ये जो टीथ है वो क्या हो हमारे स्पेरिकल शेप में, वो होता हमारा फॉर्म मिलिंग कटर। दिस ग्रुप ऑफ कटर कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव कटर, ये हमारे जो होते हैं कटर्स वो कन्वेक्स होते हैं फिर कनकेव कटर होते हैं। गियर्स कटर्स, फ्लूटिंग कटर्स, कॉर्नर कटर्स, राउंडिंग ऑफ कटर्स एंड कटर्स विद एनी इरेगुलर फॉर्म्स, ठीक है। और ये यूज क्या होते हैं, दीज आर यूज अ वाइड वेराइटी ऑफ कन्वेक्स, कॉनकेव और इरेगुलर फॉर्म्स वाली जगह यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है इसका, और आपको इसका डायग्राम डिस्प्ले पे भी दिख जाएगा। नेक्स्ट आता हमारा एंड मिलिंग कटर, द एंड मिलिंग कटर हैज कटिंग टीथ ऑन द एंड्स एज वेल एज ऑन द पेरीफेरी विद स्ट्रेट टेपर शैंक, ये देख रहे हो एंड में भी है इसके और ये पेरीफेरी पे भी है इसके, ये होते हैं हमारे एंड मिलिंग कटर्स। दीज आर यूज टू मिल फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वीवल, चैम्फर एंड यहाँ ये सब जगह यूज होता है, ठीक है। द फ्लूट्स ऑन कटर्स मे बी स्ट्रेट और हेलिकल, ठीक, एंड मिल कटर्स विद हाई हेलिक्स आर यूज फॉर द मिलिंग एल्युमिनियम एंड लाइट मेटल्स, ये इनका यूज है, ठीक। नेक्स्ट आता हमारा, और ये आप डायग्राम देख रहे हो, इसके डायग्राम आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। नेक्स्ट आता हमारा
टी स्लॉट मिलिंग कटर, इट इज यूज फॉर मिलिंग टी स्लॉट इन वन ऑपरेशन। ये क्या हमारे टी स्लॉट काटने के लिए एक ही ऑपरेशन में यूज होते हैं। इज अवेलेबल इन स्पेशल साइज फॉर टी स्लॉट, और ये इनका साइज अलग अलग होता है, ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। नेक्स्ट आता हमारा वुड रफ की स्लॉट मिलिंग कटर, इट इज स्मॉल प्लेन और साइड मिलिंग कटर विद अ सॉलिड सेंक टू फिट मशीन स्पिंडल। ये देखो ये सेंक है, इसके अंदर ये फिट है, स्पिंडल में ही फिट है, ठीक है। ये हमारा वुड रफ की स्लॉट मिलिंग कटर, ठीक। और ये हमारी दिस टाइप ऑफ कटर यूज्ड फॉर कटिंग की सीड्स, जो की सीड्स होती हैं उनको काटने में काम आता है, इन द शाफ्ट ऑफ वुड रफ की, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा फ्लाई कटर, द फ्लाई कटर सोन इन दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कटर एंड यूज्ड इन टूल रूम वर्क्स। ये जो फ्लाई कटर है वो हमारे टूल रूम वर्क्स में यूज होता है और एक्सपेरिमेंटल शॉप्स में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉइंट टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अटैच टू द एंड ऑफ द आर्बर। ये देखो आर्बर है ये, इसके एंड में ये देखो, और इनको चाबियों से क्लैंप स्क्रू से कसा हुआ है, ये टूल है हमारा ये जो लंबा सा है, ठीक। द कटिंग एज मे बी फॉर्म रिप्रोड्यूस काउंटर्ड फेस, ये देखो ये था हमारा, और आपको स्क्रीन पे भी इसका डायग्राम दिख जाएगा। ये हमारा फ्लाई कटर, ठीक है। ये थे हमारे फ्लाई कटर्स और टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।